जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। भोले बाबा के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका थ्रिकेट ट्रेवल ब्लॉग्स के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, श्री अमरनाथ जी स्थित एक पवित्र गुफा में भगवान शिव एक बर्फ के शिवलिंग के रूप में विराजमान है। बर्फ से शिवलिंग बनने की वजह से ही इन्हें बाबा बर्फानी के नाम से जाना जाता है। पवित्र गुफा ग्लेशियर्स, बर्फीले पहाड़ों से घिरी हुई है। गर्मियों के कुछ दिनों को छोड़कर यह गुफा साल के अधिकतम समय बर्फ से ढकी रहती है और कुछ दिनों के लिए तीर्थयात्रियों के लिए खुली जाती है, जहां पर कि हम वहां पर जाके और बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाते हैं। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की यात्रा के दौरान दोस्तों हमें 14,000 फीट तक की ऊंचाई तक चढ़ाई करनी होती है। तो इतनी जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, और ये एक बहुत ही ठंडी जगह है, यहाँ पर बहुत ठंडा मौसम रहता है और इस वर्ष तो हो सकता है आपको वहां पर बहुत अधिक बर्फ देखने को मिले। तो इतनी ऊंचाई पर, मतलब इतने हाई एल्टीट्यूड पर और इतनी ठंडी जगह पर जब हम जाते हैं तो हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स वहां पर हो सकती हैं, जिन्हें कि हमें नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए और जिन्हें हम कुछ प्रिकॉशंस लेकर के उसको रोक सकते हैं, ताकि हम हमारी यात्रा के समय बीमार ना हो, हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो और हमारी यात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस या फिर AMS जिसे कहते हैं, उससे आप वहां पर कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में कुछ बातें बताई थी। और इसके अलावा यात्रा मार्ग में आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए ये भी बताया था। वो वीडियो आपने यदि नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा, ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। वो वीडियो बहुत यूजफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी हाइपोथर्मिया के बारे में। हाइपोथर्मिया यानी कि शरीर का तापमान सामान्य से नीचे चले जाना, एकदम से बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाना। दोस्तों, जो पैदल यात्रा का मार्ग है, जो वहां पर पूरी यात्रा मार्ग का क्षेत्र है, उसमें जो ऊंचाई वाली जगह है वहां पर एकदम से ठंड बढ़ सकती है, कभी भी टेम्परेचर बहुत अधिक कम हो सकता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जहां पर तापमान अचानक से 2 से 5 डिग्री गिर जाता है, तो उससे लोग यहाँ पर हाइपोथर्मिया से पीड़ित हो सकते हैं। विशेष तौर पे जो बुजुर्ग हैं, उनको ये समस्या ज्यादा हो सकती है। तो जब किसी व्यक्ति को हाइपोथर्मिया के लक्षण दिखने लगते हैं, तो सबसे पहले तो उसमें आपको कपकपी महसूस होती है। कपकपी मतलब जब तापमान एकदम से बॉडी का गिरता है तो हमें कपकपी महसूस होने लगती है। इसमें ये इसलिए होती है क्योंकि जो ठंडा मौसम रहता है वहां पर जो एकदम से टेम्परेचर गिरता है, उसके खिलाफ आपकी बॉडी का एक ऑटोमेटिक इम्यून सिस्टम है जो कि आपको उतने ठंडे मौसम से आपकी बॉडी को बचाने के लिए अपने आप काम करने लगता है। तो दोस्तों, हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए आप पूरे यात्रा मार्ग में कुछ उपाय कर सकते हैं, कुछ छोटे मोटे सावधानियां आप रख सकते हैं, जिससे कि आपको इससे परेशानी नहीं होगी। ये चीजें सारी आपको श्राइन बोर्ड द्वारा भी बताई गई हैं, मैं भी आपको इसको पूरा डिटेल में बता देती हूँ। पूरी यात्रा के दौरान आप गर्म पेय पदार्थों का सेवन करने की कोशिश करें, यदि आपको ज्यादा ठंडा महसूस होता है तो। और नियमित तौर पे भोजन करें, क्योंकि नियमित भोजन के साथ भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ वाला जो स्वस्थ आहार है, जो हेल्थी डाइट है, वो आपको एनर्जी देने में मदद करता है, जिससे कि आपका शरीर गर्म रह पाता है। अल्कोहल, कैफीन और स्मोकिंग से बचे, ज्यादा चाय पीने से भी बचे, ज्यादा कॉफी पीने से भी बचे, और नशीले पदार्थों से तो आपको दूर रहना ही है। ये सारी चीजें ही आपकी बॉडी के लिए काफी नुकसानदायक हो सकती हैं। सोते समय भी आप ध्यान रखें कि सिर और पैरों को अच्छी तरीके से गर्म कपड़ों से ढककर रखें। आप सिर पे टोपा वगैरह लगा के सो सकते हैं, जो वुलन सॉक्स होते हैं वो आप वहां पर आप पहन सकते हैं, जिससे कि आपको पैरों से ठंड ना लग पाए। और दोस्तों, आप अपने साथ पर्याप्त मात्रा में ऊनी कपड़े साथ में रखें। आपके साथ एक अच्छी जैकेट होनी चाहिए जो कि माइनस टेम्परेचर में भी आपको ठंड से बचा सके। आपके पास में इनर्स होने चाहिए, अपर और लोअर दोनों। वुलन सॉक्स मोजे भी होने चाहिए, और वो आप 5-6 जोड़ी रख लीजिए, ताकि यदि बारिश में पानी में गीले भी होते हैं तो आप उनको बदल सके।
ग्लव्स होने चाहिए आपके पास, ऊनी ऊनी टोपा होना चाहिए, मंकी कैप हो तो ज़्यादा अच्छा है जिससे आपका गला भी कवर रहेगा, मफलर आप आपके साथ में रख लीजिए, वाटरप्रूफ ट्राउज़र रख लीजिए। तो ये गर्म कपड़े आपके साथ में होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर आपको खाने का भी काफ़ी ध्यान रखना है। जो फूड मेन्यू दिया गया है श्री अमरनाथ जी यात्रा श्राइन बोर्ड द्वारा, आप उसका पालन करें और वहाँ पर कोशिश करें कि आप हेल्दी खाना खाएं। यदि आप हेल्दी डाइट लेंगे तो भी आपकी तबीयत वहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही थोड़ी सी छोटी सी जानकारी थी आपके लिए और उम्मीद है आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। ये वीडियो भी हो सकता है आपके लिए काफी यूजफुल रहा हो। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए और अधिक जानकारी लेकर आऊंगी अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित। तो आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।